अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हैं इन भाई साहब के टाँके लगे हैं और सर पे भी टाँके लगे हैं। लगभग टोटल जो है 14 टाँकों के आसपास लगे हैं इनके चेहरे पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है एस क्रॉस की हालत। अभी बिल्कुल आगे से ख़त्म हो चुकी है और इस गाड़ी ने दो तीन जो है पलटियां खाई हुई थी। साइड से भी आप देख सकते हैं, और ये टकराई थी आपकी जो है आरसीसी के जो ट्री प्रोटेक्टर होते हैं उनमें जाके टकराई थी ये गाड़ी। और ये जो पीछे के जो एक्सल वगैरह है वो भी जो है बैंड हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि सबसे भरोसा तोड़ने वाली बात ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गाड़ी का एयरबैग नहीं खुला, और वो तो गनीमत है। भाई साहब ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, सीट बेल्ट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल लूज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी जो है जान बच चुकी है। आप देख सकते हैं गाड़ी का आगे वाला शीशा, साइड के शीशे, ये सारे टूट चुके हैं। गाड़ी का पीछे वाला शीशा भी जो है टूट चुका है। तो गाड़ी का सामान इधर रखा हुआ है। तो इतनी बुरी तरीके से गाड़ी जो है डैमेज हो चुकी है, फिर भी एयरबैग खुलने का जो है नाम नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चैसी है ये भी बैंड हो चुकी है, और इसका मतलब ये है कि इसमें अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है इस गाड़ी में। साइड से भी आप देख सकते हैं, इधर का जो एक्सल है वो भी बैंड हो चुका है। पीछे से भी आप हालत देख सकते हैं गाड़ी की, जो छत है वो भी डैमेज हो चुकी है और गाड़ी में पूरी मिट्टी लगी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एस क्रॉस है मारुति के लाइनअप का सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी नहीं, ये रोड में जमकर चलने वाली गाड़ी है, स्टेबल गाड़ी है। और कहने का मतलब है इस प्रोडक्ट पर अच्छा खासा भरोसा है पब्लिक को भी, और भरोसा तब टूटा जब एयरबैग नहीं खुले गाड़ी के। इतने भयंकर इम्पैक्ट के बाद भी, इतने बार रोल ओवर होने के बावजूद भी इस गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले। तो अभी मैं जो इसके ओनर हैं उनकी कंडीशन दिखाता हूँ, उनको भी अच्छी खासी चोटें आई है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हैं इन भाई साहब के टाँके लगे हैं और सर पे भी टाँके लगे हैं। लगभग टोटल जो है 14 टाँकों के आसपास लगे हैं इनके चेहरे पे। हाथ में भी छोटी मोटी चोटें आई हैं शीशा टूटने के बाद, थोड़े बहुत कांच जो है हाथों में इनके लग गए थे। तो ये तो थी गाड़ी की हालत जो अभी हमने देखी है, लेकिन ये एयरबैग क्यों नहीं खुले, और जो एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का किस लोकेशन पे हुआ था, और कैसे गाड़ी ने पलटी खाई, ये सब देखने के लिए हम इसके एक्सीडेंट वाली एक्चुअल लोकेशन में चलते हैं। वहाँ पर जाके देखते हैं कि गाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाकर गिरी थी। जो गाड़ी है पहले इधर से आई, उसने गाड़ी का जो अगला हिस्सा है इस पेड़ पर टकराया। ये जो आरसीसी का आपको दिख रहा है ना, ये जो पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, इसको डैमेज करा। उसके बाद इस वाले जो है पिलर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इसको डैमेज करा। उसके बाद वो सीधे आगे खेत में जाके गिरी। दिखाता हूँ आपको, बीच में जो है सरसों है, इसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। गाड़ी उछल के वो आगे जाके गिरी थी, उधर जाके, ठीक है, और उस गाड़ी को क्रेन से इधर से निकाला था। तो जहाँ पर गाड़ी गिरी हुई थी वो जगह है थोड़ा सा आगे, वहाँ पर जा नहीं सकते क्योंकि खेत बहुत गीला है। इन्होंने
शायद कल पानी लगाया था यहाँ पर, बहुत दलदल सा बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक का जो है पूरा का पूरा पार्ट रवि भाई ने आपको अच्छे से बता दिया है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या सारी चीजें हुई। लेकिन इस एक्सीडेंट के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्या आपने वो जाना? हम गाड़ी लेते हैं उस टाइम क्या डिसाइड करते हैं कि यार ये सेफ गाड़ी है, गाड़ी के अंदर सारे सेफ्टी फीचर हैं, एयरबैग भी है, एबीएस भी है, ईबीडी भी है, लेकिन हम उनको ये नहीं देख सकते कि हाँ ये प्रॉपर ढंग से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो तो एक्सीडेंट होगा तभी ही काम करेंगे ना। और उसको क्या कहते हैं कि उसको कहते हैं कि ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट है उन चीज़ों के ऊपर। लेकिन जब ये मिस हैपनिंग कोई चीज़ होती है और तब काम ही ना करा, तो कहीं ना कहीं वो आपका ट्रस्ट जो है वो टूटता है कि नहीं टूटता है। वो पूरा ना सिर्फ उस गाड़ी पर से बल्कि पूरे के पूरे ब्रांड के ऊपर से ही जो है वो ट्रस्ट आपका उठ जाता है। तो रही ट्रस्ट टूटने की बात, तो चलिए इस गाड़ी के ओनर से बातचीत करके देखते हैं। तो देखो यार, हमें भी पता है कि एयरबैग के खुलने का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है। हर किसी कंडीशन में नहीं खुलते, लेकिन जिस हिसाब से आप गाड़ी की कंडीशन देख रहे हो उस हिसाब से दो बार इम्पैक्ट हुई है। एक बार जो RCC का जो ट्री गार्ड होता है उसमें टकराई है, दूसरा जो है सीधी खड़ी होकर ज़मीन में टकराई है। ठीक है, आगे के हिस्से की कंडीशन आप देख सकते हो। तो इसी के साथ हम बात करते हैं गाड़ी के ओनर से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने एस क्रॉस को ही क्यों ख़रीदा। भाई साहब, एस क्रॉस को मैंने इसकी अच्छी परफॉर्मेंस और इसके अच्छे फीचर की वजह से ख़रीदा था और मुझे इसने कोई परेशान नहीं किया 3 साल में। लेकिन सेफ्टी नहीं है तो इस गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। अगर सेफ्टी नहीं है तो फीचर्स का क्या अचार डालना है। तो आपको उम्मीद थी कि इस गाड़ी के एयरबैग खुलने चाहिए थे जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था? बिल्कुल खुलने चाहिए थे। आदमी पैसे खर्च करता है, उसके बाद वो चीज़ काम ना आए मौके पे तो उसका फ़ायदा क्या है? ये तो आदमी नंगे पैर ही घूमता रहे, जूता क्यों खरीदे। बिल्कुल सही बात बोली आपने। और काफ़ी चोटें भी आई है, दिखाया मैंने आपको, और अभी आपकी हालत बिल्कुल ठीक है? अभी मैं थोड़ा स्टेबल हूँ, मांस वास फटा हुआ है बेल्ट की वजह से, 2-3 जगह से पसलियाँ भी दबी हुई हैं। अच्छा, और तो हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और अब आप ये बताइए कि आप भविष्य में मारुति की गाड़ी ख़रीदना चाहेंगे? मारुति की गाड़ी मैंने हमेशा चलाई है, लेकिन अगर वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उसको ख़रीदने का कुछ है। तो यहाँ पर जो कस्टमर हैं वो भी इस चीज़ को देखकर दंग रह गए कि जो उन्होंने सोचा था, जिस पर्पस के लिए गाड़ी ली थी, सेफ गाड़ी ली थी, उसके जो सेफ्टी फीचर हैं एन वक्त में भी काम नहीं आए। तो जी बिल्कुल, जो इन्होंने बताया, ओनर ने जो बताया गाड़ी के, बिल्कुल किसी के साथ भी होता तो सेम यही वर्डिंग उनकी भी होती। या शुक्र है इन्होंने तो गालियाँ नहीं दी, लेकिन कुछ लोग तो गालियाँ भी देते। लेकिन एक बात तो ये तो है मानने वाली, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयरबैग नहीं खुले, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ये खुलने ही खुलने चाहिए थे। लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है आपने भी देख ही लिया होगा, तो काफ़ी तेज़ स्पीड पे रही थी ये गाड़ी, तो उस हिसाब से तो काफ़ी ठीक ठाक सर्वाइव कर गई ये गाड़ी, क्योंकि इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद भी जो ओनर है वो सेफ है। और ये सीट बेल्ट जो है ना, उसने मेजर पार्ट अदा करा है यहाँ। और सबसे बड़ा मैसेज इस स्टोरी का यही है, चाहे गाड़ी में एयरबैग हो या ना हो, सीट बेल्ट का जो है बकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर अपनी वीडियो में लास्ट में मैसेज आपको ज़रूर देते हैं तभी। जी तो बस हमारा कहना ये है कि एयरबैग नहीं खुला, चलो हो सकता है कि हमारी समझ में थोड़ी सी भूल चूक हो गई होगी, लेकिन अगर मारुति का कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो अगर उनकी तरफ से ये क्लियरेंस मिल जाता कि एयरबैग क्यों नहीं खुले इतने भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी, तो ये हमारे लिए और हमारी जनता के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता। और मैं इनफैक्ट अगर आप लोग भी पूछना चाहते हैं तो हम नीचे जो है वो मारुति की ईमेल आईडी जो है वो छोड़ दे रहे हैं, आप भी डायरेक्ट उनसे सवाल कर सकते हैं कि आपको करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, more than 50% लोग मारुति की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं यार। तो आप लोगों को भी यहां पर जाकर के जरूर उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपने भी सबक लिया होगा, आपको भी जो सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस पता चली होगी, एयरबैग की इंपॉर्टेंस पता चली होगी, आप भी आगे से लगाया कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक फिर से बोलते हैं, फोर व्हीलर चलाते हो तो दोस्त सीट बेल्ट लगाना ना भूलें, और हेलमेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। जिस हिसाब से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उस हिसाब से जो एस क्रॉस की बिल्ड क्वालिटी है ना, तो उसमें भरोसा किया जा सकता है,
क्योंकि आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर जो बंदा है बिल्कुल सेफ था और उन्हें कुछ ही मामूली चोट आई थी। और जिस हिसाब से हम बात करें एक्सीडेंट की, एक्सीडेंट काफ़ी भयानक हुआ था, अच्छी खासी स्पीड में थी गाड़ी और अचानक से किसी जानवर के आगे आ जाने की वजह से गाड़ी ने अपना जो है बैलेंस खो दिया, या कह सकते हैं आप कंट्रोल खो दिया।